फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो ड्रामा प्लीज़। माय नेम इज़ प्रज्ञा। आज हम बनाएंगे यम्मी सा हेल्दी सा पॉपकॉर्न भेल बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी आपको हेल्दी खाने का, चटपटा खाने का मन करे तो आप ये बना के खा सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा सामग्री की भी हमें ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो हमारे घर में अवेलेबल है वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट पॉपकॉर्न लिया है, कुछ 15 रुपीज़ का पैकेट है। यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ ऑनियन लिया है, एक मीडियम साइज़ टोमेटो लिया है, दो तीन हरी मिर्च लिए। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, बट ऐड करिए। सब क्रंचीनेस के लिए यहाँ पे मैंने फरसान लिया है, आपको जो फरसान पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। एक लेमन लिया है, लेमन का जूस हम डालेंगे, एक पूरा लेमन में इसमें ऐड करिए, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और धनिया पत्ता लिया है और ड्राई मसाले लिए। ड्राई मसाले में हमने लिया है रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो अभी हम भेल बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं पॉपकॉर्न में सारे हमारे वेजीज और ड्राई मसाले। अब हम भेल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक मैंने बड़ा बाउल लिया है, उसमें हम अब पॉपकॉर्न ऐड करेंगे। पॉपकॉर्न में अब हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है, इसे फाइनली चॉप किया था वो ऐड किया है। यहाँ पे दो तीन हरी मिर्च, उसे भी मैंने बारीक साइज़ में काटा है, वो ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ टोमेटो, इसके मैंने बीज निकाल के इसे कट करके ऐड किया है। अगर आपको बीज पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं वैसे ही कट करके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स जितना हम हाथ से करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निखर के आएगा। यहाँ पे मैं सारे ड्राई मसाले ऐड करी जो भी हमने लिया है। चाट मसाला लिया है, जीरा पाउडर लिया है और रेड चिली पाउडर लिया है। तीखा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, नमक हम बाद में ऐड करेंगे एक टेस्ट करके, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। अब यहाँ पे मैंने फरसान डाला है, फरसान आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मुझे थोड़ा सा ही फरसान इसमें डालना है, ज़्यादा फरसान मुझे नहीं चाहिए, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला है कि मुझे क्रंचीनेस थोड़ा सा चाहिए इसमें। अब यहाँ पे हम नायलॉन शेव डालेंगे। नायलॉन शेव भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना पसंद है जितना कम पसंद है। अब अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे उसे कोरिएंडर से। यहाँ पे हम एक लेमन का जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। चाट मसाला भी हमने ऑलरेडी डाला है, चाट मसाले में भी नमक रहता है। फरसान भी डाला है, फरसान में भी ऑलरेडी नमक रहता है, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हम अच्छे से हाथ से करेंगे। हाथ से जितना हम मिक्स करेंगे वो सारे जो पॉपकॉर्न में जो भी हमने वेजिटेबल्स और ड्राई मसाले डाले हैं वो एकदम मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। अब हमारा पॉपकॉर्न भेल एकदम से रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। बट सर्व करने से पहले हम थोड़ा सा उसे एक लास्ट टाइम गार्निश करेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा पॉपकॉर्न हमने साइड में निकाल के रखा था गार्निशिंग के लिए, वो अब हम बाउल में डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें हम डालेंगे फरसान, डालेंगे थोड़ा सा फरसान। डालने के बाद हम इसमें नायलॉन शेव, ऑनियन, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे। सर्व करते वक्त भी आपको अगर ऑनियन ज़्यादा पसंद है तो सर्व करने के बाद आप ऊपर से ऑनियन, टोमेटो, कोरिएंडर और नायलॉन शेव डाल के हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब के बाजू में छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करिए ताकि मैं जब जब नए वीडियो डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन आ सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। अब हमारा एकदम यम्मी सा, चटपटा सा, हेल्दी सा पॉपकॉर्न भेल रेडी हो चुका है। उसे हमने गार्निश भी कर दिया है
और ये लगने में भी इतना कलरफुल लग रहा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे मेक श्योर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे हम नायलॉन शेव के साथ उसे सर्व करेंगे। हमारा पॉपकॉर्न भी रेडी हो चुका है, आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर द वॉच।